नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में शौच करने के लिए गई 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही दो युवकों द्वारा अपहरण करने के बाद दुराचार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद इस मामले की शिकायत करने थाने गए युवती के परिजनों को थाना प्रभारी द्वारा धुतकार कर भगा दिया गया। आज SSP ऑफिस पहुंचे पीड़ित के परिजनों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में पुलिस का कहना है कि युवती को बरामद कर लिया गया है, आज डॉक्टरी मुआयना कराया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। SSP कार्यालय आए हैं हम। SSP कार्यालय 13 तारीख के शाम से 7 बजे वहीं लड़की शौच करने आई थी, उसके बाद 30 मिनट बाद उसके पिताजी ने बोला बेटा लड़की वापस नहीं आई है। हाँ। तो आंसू आकाशी उसके पीछे पीछे गए कोहरे में, उस लड़की को उठा के ले गए। उठाने के बाद 30 मिनट बाद हम बोले लड़की नहीं आई, तो हमने ढूंढा मचा दिया है। ढूंढते ढूंढते हमें बज गया 11 बजने के बाद लड़की भागती बिलाती हुई आई है घर की तरफ, लड़कों के बाहर से निकल के। लड़के के साथ दुष्कर्म भी हुआ है, लड़की ने बाद में बताई हमें। लोधे थाने गए थे हम 10-20 लोग 25-30 लोग। लोधे थाने वाले ने ऐसो ने हमें ढुटकारा, वहाँ से मार के, वहाँ से गाली दे के भगाया हमें वहाँ से। अब यहाँ ऐसे ऐसे ऑफिस आए हैं तो यहाँ भी यही कर रहे हैं, ये लोग धमका रहे हैं हमें। क्या क्यों धमका रहे हैं? पता नहीं किससे, वही लड़के वालों ने पैसे लोधे थाने में पैसे भी दिए हैं इन्होंने, कोई कार्रवाई नहीं की। बच्ची कितनी बड़ी है? 12 साल की लड़की है। उसके संग रेप हुआ है? हाँ, रेप हुआ। कितने जने रेप करने वाले? 2 लड़के थे, एक आंसू एक आकाशी। अभी आपकी अगर सुनवाई नहीं हुई है यहाँ पे, क्या करेंगे आप आगे? अब क्या करेंगे आप बताओ, अभी हम तो अनपढ़ हैं, अनार हैं, किसान लोग हैं। फिलहाल कोई आश्वासन मिला है यहाँ से? कब तक कुछ नहीं मिला हमें। ठीक है, ठीक है। थाना क्षेत्र सर, क्या पूरा मामला? देखिए, ये थाना लोधा क्षेत्र में 13 तारीख की रात में ये पुलिस को सूचना मिली है कि एक लड़की को दो युवक उसको अपने साथ अपहरण करके ले गए हैं, और परंतु वो युवक उसी गांव के रहने वाले हैं और उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और इस संबंध में जो तहरीर मिली थी उसके आधार पे धारा 363 और धारा 323 में मुकदमा पंजीकृत है, और इस संबंध में आगे अब उस वो लड़की भी बरामद हो गई है, उसका धारा 164 का बयान शीघ्र ही हो जाएगा और उसके आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। सर जी, सर जो बच्ची का ये रेप हुआ उसमें उसकी डॉक्टरी भी नहीं करवाई जा रही है? देखिए, उस लड़की को डॉक्टरी के लिए भेजा गया है थाने से, और आज ही उसकी डॉक्टरी भी हो जाएगी और जो धाराएं उसमें बनती हैं उस हिसाब से आगे का। सर, पीड़ित के चाचा ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि जब वो मुकदमा दर्ज कराने गए तो उनको लताड़ कर भगा दिया गया। लड़की शोल्डर सीधा बयान भी करवा रहे हैं। ऐसा हम पे तो अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है, और 13 तारीख की रात को ये पहली बार पुलिस को सूचना आई है और तुरंत ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए और 14 तारीख की सुबह ही ये पुलिस ने लड़की भी बरामद कर ली और आगे कार्रवाई की जा रही है। ठीक।